विधानसभा के विधायक जितेंद्र आवाड थाने जीआरपी पर बरसे, किए कई सवाल, दर्ज कराया धाराएं बढ़ाने के लिए बुजुर्ग अशरफ मनियार का सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट। कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 1 सितंबर को एक तरफ 3 आतंकी एक बुजुर्ग मुस्लिम व्यक्ति के साथ गौमांस का आरोप लगाकर ट्रेन में मारपीट करते हैं, उसे ट्रेन से फेंकने का प्रयास करते हैं, उसके साथ लूटमार करते हैं। उन्हें थाने जीआरपी की मेहरबानी से एक ही दिन में 15,000 की नकद जमानत भी मिल जाती है हल्की धाराएं लगाने के बाद। अब यह मामला जब मुबरा कलवा के विधायक जितेंद्र आवाड को पता चलता है तो वो सीधा पहुंचते हैं थाने रेलवे स्टेशन पर, थाने जीआरपी के कार्यालय में। यहाँ पर जो वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक दुसाने मैडम हैं, उनसे वो बात करते हैं, डीसीपी मनोज पाटिल से वो बात करते हैं और बात के दौरान उनके कई सवाल होते हैं। पहला सवाल, हेट क्राइम था तो उसे दर्ज क्यों नहीं किया गया, लूटमार की गई है तो रॉबरी का सेक्शन क्यों नहीं लगाया गया, बुजुर्ग को ट्रेन से फेंकने की कोशिश की गई है तो हत्या के प्रयास का मामला और धारा क्यों नहीं लगाई गई। इन सवालों के साथ यहां पहुंच करके विधायक जितेंद्र आवाड ने इन पुलिस अधिकारियों से क्या बातचीत की वो हम आपको दिखा रहे हैं। पूरी बातचीत देखिए। पूरी बातचीत देखने के बाद हिंदुस्तानी रिपोर्टर से विधायक जितेंद्र आवाड की थाने जीआरपी पुलिस स्टेशन के बाहर क्या बातचीत हुई वो हम आपको बताएंगे। और फिर उनके प्रयासों से थाने जीआरपी ने 1 सितंबर रविवार को रात में कल्याण कोनगांव जाकर अपनी बेटी के घर पर रुके हुए बुजुर्ग अशरफ मनियार का सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट दर्ज किया और धाराएं बढ़ाने के लिए अब इस सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया जाएगा। और अब जीआरपी की इस सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट की प्रक्रिया कैसे हुई रविवार को वो हम आपको बताएंगे। वहीं थाने जीआरपी की अब जिम्मेदारी बनती है कि सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट के आधार पर धाराएं बढ़ा करके ये तीनों आतंकी आकाश अवार, जयेश मोहिते, नितेश आहिरे, इन तीनों को जो जमानत मिली है उसको रद्द करने की प्रक्रिया ऊपर की अदालत में कर फिर उन्हें दोबारा पुलिस कस्टडी में लेने का काम करना चाहिए। 40 गांव से कल्याण आते अशरफ अली मनियार नाम के बुजुर्ग के साथ 28 तारीख को ट्रेन में जो वैश्याना मारपीट की गई, हेट क्राइम किया गया, इस मामले में थाने जीआरपी पुलिस ने बेहद हल्की धाराओं के तहत मामला दर्ज करके 3 आरोपियों को धुलिया रेलवे जीआरपी की लोकल एलसीबी की टीम की सहयोग से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दूसरे दिन यानी रविवार को कोर्ट में कल्याण में उन्हें खड़ा किया गया, छुट्टी के कोर्ट में खड़ा किया गया और तीनों आरोपी 15,000 की जमानत पर छूट भी गए। ये पूरी जानकारी मिलने के बाद मुबरा कलवा के विधायक जितेंद्र आवाड खुद पहुँचे थाने जीआरपी पुलिस स्टेशन और यहाँ आने के बाद उन्होंने पुलिस से पहला सवाल किया है कि ये हेट क्राइम था, आपने हेट क्राइम क्यों नहीं दर्ज किया। बुजुर्ग के साथ हेट क्राइम के साथ साथ लूट की भी वारदात की गई है तो वो क्यों नहीं दर्ज की गई है, उस तरह के बीएनएस के सेक्शंस क्यों नहीं लगाए गए हैं। किस तरह से यहाँ पर वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक है थाने जीआरपी की अर्चना दुसाने, उनके साथ क्या विधायक जितेंद्र आवाड ने पूरी बातचीत की है। तुम्ही जर कलम व्यवस्थित लावली असती तर झाला असता का जामीन। साहेब मी आताही परत तेच रिपीटेशन करते जेवढं त्यांनी स्टेटमेंट दिलं का ते स्वतः म्हणतात बोललेच नव्हते, त्यांचा मुलगा बोलला नंतर काल इथं जेव्हा आले आमच्या डीसीपी साहेबांच्या समोर व्हिडिओमध्ये। हे बघा साहेब तुम्ही ना व्यवस्थित भाषेत हे करा, पाया पडण्याचा काय संबंध आहे इथं, तुम्ही केव्हाचे फोटो दाखवून मोठ्या मोठ्याने बोलताय, शांततेत बोला। माझा थोडासा उच्चार असतो नैसर्गिक आहे माझा, त्याच्याबद्दल जर तुम्हाला वाईट असेल तर मी हात जोडून माफी मागतो तुमच्याशी। माफी मागायची गरज नाही अजिबात, माझं म्हणणं इतकंच आहे की तुम्ही हेट क्राईम का नोंदवला। ज्या याच्यामध्ये चालू होत जेवढं स्टेटमेंट दिलं त्या स्टेटमेंट हायकोर्टात बोलवणार हे बघा आमचे मॅडमचे म्हणणे भारताचे नागरिक म्हणून तुम्ही काही करू शकता साहेब, माझं त्याला हे म्हणणं नाहीये, परंतु माझं म्हणणं हे ऐकून घ्या, तुम्ही एकतर्फी बोलता जेवढं त्यांचं त्यांना म्हटलं तुमचं मेडिकल करा, नंतर तुमचं मेडिकल झाल्यानंतर तुमचं आम्ही स्टेटमेंट नोंदवणार। त्याच्यामध्ये जर समजा आता ते काकांचा मी तो व्हिडिओ ऐकला की त्याच्यामध्ये ते म्हणतात की मला दिसत नाहीये, किंवा आता त्यांचा मुलगा बोलला की त्यांना त्रास होतोय, उद्या ऑप्टॉल्मिकचा रिपोर्ट आला काय आला त्यानुसार गुन्ह्याची व्याप्ती वाढते आपली, गुन्ह्याची व्याप्ती वाढते ना। बरं सेक्शन वाढवायला मी आता पण नाही म्हणत नाहीये, तपासात जे जे निष्पन्न झालं बरं, काका काय माझ्या दुश्मन आणि ते काय नातेवाईक अशातलाही भाग नाही त्या गोष्टीचा। मध्यमार्ग काय
तुम्ही आता कोणीतरी चांगला तुमचा माणूस काकांकडे पाठवा. येतोय अशफाक, तू काप आहे? मी त्यांचं पुरवणे स्टेटमेंट घेते आणि जे काय अप्रोप्रिएट सेक्शन आता काल त्यांनी रात्री हे दिलं आणि तुम्ही म्हणताय ते म्हणताय रात्री 10 पर्यंत त्यांना जायला सांगितलं होतं, परंतु ते म्हणा आम्ही हे आणून देतो. अशफाक, अशफाक यहां से अभी पुलिस निकलेंगे तुम्हारा जवाब लेने के लिए अब्बा का, तो अब्बा को बोलना जो बोलना है वो आज एक ही बार जितना हुआ है उतना प्रोपर्टीज के सामने और वीडियो निकाल के बनाना, आगे पीछे मत करना. छोड़ो अभी, कल जो हुआ हुआ, अगर पैसे निकाले गए हैं तो पैसे निकाले गए ऐसा लिख के लेना. उन्होंने क्या लिखा, हमने क्या बोला, उस पर कुछ बहस नहीं होगी. तो छोड़ो, अब्बा का वीडियो निकाल के ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ शुरू से आखिर तक, ये सब लिख लो, ये वीडियो निकाल लो. और उधर की लॉयर है, वो रहेगा तो लॉयर को बुला लेना. और मैं इधर से लॉयर का एक बीए ये भेजता हूँ, उसमें लिख के भी देना कि ये कलम के अन्वय हम उनके ऊपर गुना दाखिल होना चाहिए. बस तुम हेट क्राइम दाखला नहीं है, एक चुकी आए. पण मला एक गोष्ट सांगा, त्यांना का मारलं? ते जे झालं आता याच्यामध्ये बोलायचं. तुम्ही 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 विषय कुठेच नाही म्हणत. मी पण सरळ विषयाला दररोज बोलते. ऐका, हे शब्द आले की नाही, आमचा श्रावण आहे. कुठलीही तक्रार घेत नाही. जर हलक्यात घ्यायचं असतं तर आम्ही काकाला तेवढं जीवाचं रान करून शोधलंच नसतं. ते अंगाशी आलं होतं व्हिडिओ, तो अख्ख्या भारतात गेलाय. जेव्हा ते अख्ख्या भारतात महाराष्ट्राची लाच लाच गेलीये, तो तुमच्या इथपर्यंत राहत नाही, तो अख्ख्या महाराष्ट्र देशभरात गेला व्हिडिओ. आवड साहेब, रात्री ती मुलाखत मी टाकली इथून जाऊन, आतापर्यंत 4 लाख लोकांनी बघितली, 24 तास पूर्ण झालेले नाहीत. असं नाही सहज भाई, 4 लाख लोकांनी. हिट क्राईम, हिट क्राईम हा भारतातला सर्वात डेंजरस इश्यू आहे. हा मॉब लिंचिंग मध्ये येतो. मॉब लिंचिंग म्हणजे डेथ नाही, एखाद्या समूहाने एखाद्या जातीच्या धर्माच्या माणसाच्या मागे लागणं आणि त्याला त्रास देणं. ठाणा पोलिसांना हिट क्राईम नावाची काही गोष्टच माहित नाही. कुणी जातो हाजी मलंगवर, या कटव्यांना हाकलून दिले पाहिजेत, यांचे गळे कापले पाहिजेत, क्राईमच रजिस्टर होत नाही. आणि कोर्टाने सांगितलं सू मोटो पोलिसांनी रजिस्टर करायचा, इफ देर इज कंप्लेंट ऑर नो कंप्लेंट, इफ यू हॅव enough of evidence and proofs register. आता ह्याच्यात हिट क्राईम नाही. तुम्ही मला सांगा ह्याच्यात हिट क्राईम नाही. तो मुसलमान नसता तर त्याला मारला असता. मी आता तपास चालू आहे माझा, जे काही तपासात निष्पन्न होतोय मी त्याच्यामध्ये अप्रोप्रिएट सेक्शन वाढवणार, 100% वाढवणार. अजून आपण चार्जशीट दाखल केलेलं नाही, तपास चालू आहे. पण ते सुटले ना, हिम्मत वाढली, झाट मारली, घ्या भेंजत कान पडत मारली, देतील सोडून. तुम्ही हेट क्राईम नाकारताय. नाकारलं कुठलंच नाही साहेब. मला सांगताय माझ्या तपासात निष्पन्न झालं तर तपास करतो सर. मी तपास मनोज पाटलांना बोललो होतो, डीसी किंवा निलेश पाटील.
हे मला तुमच्या तुम्ही लिहून द्या की हा हेट क्राइम होऊ नये. मी कसं लिहून देणार साहेब? तुम्ही का नाही केस घेतली? तुम्ही का नाही केस घेतली हेट क्राइमची? व्हिडिओ स्पष्ट सांगतोय ना मॅडम. जो सुप्रीम कोर्टाचं जजमेंट आहे हेट क्राईमचे काही त्यांनी हे दिले आता ह्याच्यामध्ये हा क्लिअर कट हेट क्राईम आहे आणि तुमचे पोलीस म्हणतात तसं कसं आम्ही त्याचा तपास करू? हेट क्राईमचा काय तपास करणार तुम्ही? अरे पण तुम्ही का घेतला नाही? त्यांना जामीन नसता झाला ना हेट क्राईममुळे? अहो सांगितलं नाही काय? अहो सांगितलं नाही काय? व्हिडिओ आहे ना आमचा, श्रावण आहे. आणि तू काय करतोयस? आमचा श्रावण आहे म्हणजे समोरचा माणूस कोणाला? मुसलमान आला की नाही? हिंदू हिंदू मुस्लिम हेट आला की नाही? मग तुम्ही हेट क्राईम का नाही रजिस्टर करायला सांगत? मी त्या बाईला दोष देणार नाही. तुम्ही तुम्ही तुम्हाला सुप्रीम कोर्टाच्या जजमेंटचं नॉलेज असतं, तुम्ही करून घ्यायला पाहिजे होत. आणि ह्याच्यामध्ये काय तुम्हाला पुरावे लागत नाही? अकॉर्डिंग टू द जजमेंट ऑफ पार्टीवाला यू हॅव टू सू मोटो रजिस्टर हेड क्राईम. त्यांचा शब्द आला की क्राईम रजिस्टर करा. काय कोणाचे तुम्ही एव्हिडन्स आणि विटनेस जमा करत बसू नका. सुप्रीम कोर्टाचा जजमेंट आहे, मग का नाही घेतला तुम्ही हेड क्राईम? तपासा आणती. अरे तपासा आणती नाही, अरे कोर्टात बघू ना. अरे कोर्टात 10 वर्ष केस चालेल. गुन्हेगारांचं मनोधैर्य तर वाढतं की नाही की आपण हे केलं आणि काय फरक पडत नाही, पहिल्या 15 मिनिटातच जामीन होतो. अहो पण त्याच्याने गांभीर्य येतं ना गुन्ह्याला? अहो पण त्याच्याने गांभीर्य येतं ना? त्याला चाकू दाखवला, त्याला ट्रेन मधून, आता तुम्ही म्हणता ट्रेन मधून फेकण्याचा, फेकला नाही ना? अहो तर तुम्ही त्या शब्दाचा अर्थ तसा लावा. शब्दाचा पोलिसांना अर्थ लावायचा तसा लावताय तो. जसा तुम्ही गहा झाला हा त्यांच्या बाजूने निर्णय घेताय, तसा आमच्या बाजूने घ्या ना. की गहा होणं म्हणजे यांनी काढून घेतलेत. अहो हे मारत असताना माझ्या खिशातन पैसे गहा झाले म्हणजे काय झालं? म्हणजे काय झालं मला समजून सांगा. हे मारत खाली पडले, खिशात ना आपा पुढाले खाली पडले. अहो मला मारत असताना पैसे गहाळ होणे याच गांभीर्यानं अर्थ काय होतो? जरा एखाद्या मराठी भाषा तज्ञाला विचारायचा अर्थ काय होतो. काढून घेतले म्हणजे यांनी काढून घेतले, म्हणजे यांनी काढून घेतले. म्हणजे तुम्ही इंटरप्रिटेशन त्या आरोपींच्या बाजूनेच काय करताय? अहो कायद्याने मला सांगा, मला सांगा की खिशातले पैसे मारत असताना गहाळ होणे हे कुठल्या कायद्याने सांगतं की पैसे पडले, पैसे गेले? कुठल्या कायद्याने मला दाखवायचा? तर आपण मराठी कोणीतरी चांगल्या भाषा तज्ञाला बोलूया. आणि मला मारत असताना पैसे गहाळ झाले, ठीक आहे, त्याप्रमाणे सेक्शन्स लावून घ्या. आता हे गेले, हे जाऊ द्या, आता हे काय परत येणार नाही. ह्याच्यासाठी तुम्हाला वरती जावं लागेल आणि तुम्हाला वरती जायला लावणार आम्ही कोर्टात. तुम्हाला मी काही इथे शांत बसू देणार नाही, कारण का हा इश्यू आहे ना, हा तुम्हाला वाटतो आज थांबेल, आज इथे नाही थांबणार, हा भारतभर जाणार इश्यू. तुम्हाला एक फार सोपं वाटायला लागलं आहे पोलिसांना, हे काय होत नाही, हे बंद करायचं.
क्या विधायक जितेंद्र आव्हाड ने पूरी बातचीत की है, हम विधायक जितेंद्र आव्हाड जी से वो जानेंगे। आव्हाड साहब, आज आप पहुंचे, क्या जानकारी मिली जिसके चलते आप ठाणे जीआरपी पुलिस स्टेशन पहुंचे? देखो, बात ऐसी है कि मेरे ख्याल से ये जो गुनाह हुआ, या बिंदास क्या मजा, ये गुनाह जो हुआ है वो हेट क्राइम के मुताबिक ही हुआ है। उसमें जो शब्द प्रयोग किए गए हैं वीडियो में साफ दिख रहा है, पुलिस ने वो शब्द प्रयोग का को ध्यान रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए पहला गुनाह रजिस्टर करना था, पहला जो स्पेसिफिक कलम डालना चाहिए था वो था हेट क्राइम का। अच्छा, अगर वो आदमी कहता है कि पैसे गहाल झाले, तो गहाल झाले यानी इसका मतलब आप ये नहीं सकते कि पैसे गिर गए। आव्हाड साहब, यहाँ रोकूंगा मैं। पहले दिन की जो उनकी मानसिक स्थिति थी, वो स्टेटमेंट देने के कंडीशन में भी नहीं थे, तो क्या पुलिस को ऐसी स्थिति में स्टेटमेंट लेना चाहिए था? बिल्कुल नहीं लेना चाहिए था। प्रिलिमिनरी ये रजिस्टर करना कर लेना था और बाद में उनका डिटेल स्टेटमेंट लेना चाहिए था। आज मुझे समझ में आ रहा है कि उनके एक आंख से उनका दिखना कम हो गया है। उनके बेटे से आपकी बात हुई? उनको जो लात मारी है, जो नीचे मारी है, उनको पेशाब ठीक से नहीं हो रहा है। तो ये सब कलम जो हुए मैंने लिख के लाए थे कि कौन से कलम लिखने चाहिए। मैं वकील के पास गया, कलम निकाले और कलम कौन से लगने चाहिए इसका मैंने पूरा दायरा पेश किया है। 126, 127, 118, 3096, 189, 4, 189, 3, 191, 1912, 1913 BNS, ये जो नया कानून है। ऐसा है कि मुझे डर इस बात का नहीं है कलम क्या लगा है, मुझे इस बात का डर है कि गुनाहगारों को अब लगने लगा है। कुछ नहीं होता यार, एक दिन में जामीन हो जाता है। तीनों अपराधी जमानत पर छूट गए? नहीं, वही कि अब तीन दिन में जामीन हो जाएगा। अब मैंने जब मैडम से बात किया तो मैडम बोली, अरे केस में देखेंगे ना, अरे केस तो 10 साल के बाद आएगी, तब तक तो ये गुनाह और बुढ़ा मर भी गया होगा, अल्लाह उसको लंबी उम्र दे। लेकिन जिस तरीके से उसको मारा गया, कोई भी छोटी उम्र के आदमी के आँख में आंसू आ जाएंगे, इतना बेरहमी से उसको पीटा गया। अब जब ट्रेन से उसको ढकलने की बात करता हूँ तो पुलिस कहते, बात तो ढकेलने की हुई ना, ढकला नहीं, नहीं ना। हाँ। अरे तो एक्शन के बाद, यानी मर्डर के लिए रिवॉल्वर निकाला, मर्डर नहीं किया ना, जाने दो। ये जो पुलिस का जो हर गुनाह को हल्के में लेना, इससे ही महाराष्ट्र की न्याय व्यवस्था को खतरा है। लोगों का डर निकल गया है, लोग सीरियसली अब पुलिस को भी नहीं लेते, गुनाह को भी नहीं लेते। और अभी वो ये वो कल शिवाजी महाराज का पुतला गिर गया, आपटे फरार, वो स्कूल में गुनाह हो गया और रेप का, उसका जो संस्था चालक था आपटे, वो फरार। फिर और एक कोई गुनाह हुआ है मुंबई में हुआ है, उसका भी आदमी फरार। तो यानी फरार मुहिम निकाली है क्या? नहीं, ये फरार सरकार हो गई है क्या? लड़का फरारी आरोपी हो, लड़का फरारी पर ये जो बात कल हुई, ये इनको लगता है ये थाना तक मर्यादित है, नहीं, ये पूरे देश में गई है। और देश में महाराष्ट्र जो सबसे शांत, संयमी और सब मिलजुल के रहने वाला प्रदेश है, उसकी इज्जत गई है। आव्हाड साहब, आज आप जीआरपी पुलिस स्टेशन आए, काफ़ी आपने यहाँ पर जो है कानूनी नुक्तों को लेकर, मुद्दों को लेकर के और सामाजिक सौहार्द के मुद्दों को लेकर के आपने यहाँ पर पुलिस अधिकारी से बातचीत की। किस तरह से आगे बुजुर्ग अशरफ अली मनियार और उनके परिवार का आगे तक जो है आप सहयोग करेंगे, किस तरीके से उनको सपोर्ट करेंगे? मैं सपोर्ट कैसा करता हूँ वो शायद तुमको ज़्यादा मालूम है। मैंने अब पुलिस से रिक्वेस्ट की है कि उनकी मानसिक हेल्थ बराबर नहीं थी। जिस समय आदमी मार खाता है, डर जाता है, तब उसके दिल से सही बात नहीं निकलती। सही बात कब निकलती है? जब उसका दिमाग होश पे आता है, मेंटली स्टेबल रहे, स्टेबल रहे। अब तुमको, अब इन्होंने कहा कि आपने ध्यान नहीं दिया, एप्थाल्मिक सर्जन ने उनका आँख तलाशी ही नहीं है, चेक ही नहीं हुआ है, वो चेक ही नहीं हुआ है जी। तो अगर उसकी आंख चेक नहीं हुई तो आपने कलम कैसा लगाया? कैसे लगाया? एप्थाल्मिक सर्जन का जब तक रिपोर्ट नहीं आता है तब तक क्या मतलब है? क्या मतलब?
तो मार्च म्हणजे त्याला ब्लेड मारलं, चार दिन के बाद ओवर ब्लीडिंग और सेप्टिक से वो मर गया। तो क्या, तो ये इतने हल्के में गुनाह लेना, आप गुनहगारों को बचाने का काम कर रहे हैं और उससे ना कानून की और धज्जियाँ उड़ेगी, गुनहगार और मजबूत होते जाएंगे। सर, मुस्लिम समाज जैसे कि आपको काफ़ी मानता भी है, आप उनके कई मुद्दों पर मुखर होकर के बोलते हैं, ऐसी घटनाओं को लेकर के मुस्लिम समाज को क्या संदेश देंगे, क्या मैसेज देंगे? एक तो पहली बात, मैं वो आदमी मुसलमान था इसलिए नहीं आया जी, मेरा बाप था, वो मेरे बाप की उम्र का था। महाराष्ट्र की संस्कृति में किसी बुढ़े को इतनी कान के नीचे मारना, ये मराठी, हिंदू, मुसलमान, गुजराती कुछ नहीं होता है, तुम्हारे में इंसानियत नहीं बाकी रही है। वो आदमी इतना दिख रहा है बूढ़ा, दाढ़ी वाला, पीछे बाल, उसको जिस तरीके से उसको लात मार रहे थे, कान के नीचे मार रहे थे, ये इंसानियत ही नहीं है। आप जब तक इंसानियत नहीं पकड़ के रखोगे कुछ नहीं रहेगा, कुछ नहीं। ना हिंदू रहेगा ना मुसलमान रहेगा। अच्छे लड़की जो थे उन्होंने पकड़ लिया, उन्होंने बोला इसमें क्या है, तू पहचान सकते लड़कों को? हाँ, तो कोई रुमाल बांधा हुआ था। हाँ, वो लड़का कहाँ से बैठा था रुमाल बांधा? वो इंडिया से ट्रेन में आया, इंडिया से आया था, ये 40 से बैठा था। तो लड़के जो है तुम्हारे बैठने से पहले गाड़ी में बैठा था, फिर तो आने के बाद भी जब पुलिस स्टेशन पे उतरने लगा तब मेरे साथ में थैली निकालने लगा, मेरा पिछवी निकालने के बाद भी जैसा मैंने पिछवी लाया निकाला, वो लड़कों ने मेरे को सामने पकड़ लिया, पकड़ने के बाद में मेरा मुंह वगैरह में दाब दिया। उसके बाद में मेरे को गाड़ी शुरू होने लगी, तब मेरे को पूछा उन्होंने पिछवी में क्या है, मैं बोला इसमें गोश्त और ये भैंस का गोश्त। तो लोगों ने मेरे को जैसा गोश्त का बोला मारना एकदम शुरू कर दिया, इधर से मार रहा है उधर से मार रहा। मारने के बाद में सबने मेरे को पकड़ के जकड़ लिया, मेरे को सीट पे बैठा लिया और बाद में मेरे को इतना मारा कि मेरे को बोलना भी मुश्किल हो रहा है। किसी ने क्या मेरे को पता, उन्होंने उनके पास चाकू था, चाकू से उन्होंने किसी को फाड़ा, किसी के अंदर दो छोटी बर्मी थी, बर्मी के अंदर दोस्त था। वो देखने के बाद में उन्होंने वो मेरे मानी पर रखा और मेरे शूटिंग करने लगे और मारना भी शुरू, मेरे कपड़े भी फाड़। उस पीरियड में सबने ऐसा मेरे को चारों तरफ से पकड़ के रखा और पकड़ के रखने के बाद भी मेरे को हलचल का बोलने का भी उपस्था नहीं। वो टाइम मेरे